जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विषय है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप सभी लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हमें देख करके बहुत सुकून मिलता है। हम बहुत मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट पढ़कर वीडियो बनाने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन कैसे करते हैं। कर्मा ख़त्म करने के लिए हमें कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे जो कर्मा हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो डियर आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कर्मा ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। डियर, सबसे पहली बात तो ये है कि कर्मा ख़त्म करने के लिए तो हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, दरगाह जाते हैं चर्च जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जैसे बहुत कुछ चढ़ा के आ जाते हैं चढ़ावे में, तो उससे कुछ नहीं होता। अगर आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, जैसे अपने हाथ से ही किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, उसे उसकी बहुत ज़रूरत है और आप उसकी मदद कर देते हैं, तो इससे भी डियर कर्मा कम हो जाते हैं। जो हमारे कार्मिक रिश्ते होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो हमें बहुत तकलीफ़ें मिलती हैं हमारे कर्मों की वजह से, हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमें जो तकलीफ़ें मिलती हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कर्मा अच्छे भी होते हैं, कर्मा बुरे भी होते हैं, लेकिन जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो जो हमारे बुरे कर्म होते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिलती हैं वो कम हो जाती हैं। इस तरह से आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, जीव जंतुओं की मदद कर सकते हैं, पशु पक्षियों की मदद कर सकते हैं, जैसे उन्हें दाना डाल सकते हैं पक्षियों को, जो रोड साइड डॉगीज़ होते हैं इस टाइम उन्हें आप बिस्किट डाल सकते हैं, जो भी आपसे हो सके आप वो दे सकते हैं। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी। डियर, कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन इस तरह से होता है, जो कार्मिक होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, जैसे कभी अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे अनजाने में हम किसी के साथ गलत कर बैठते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है, और उसका हमें मतलब कर्म जो होते हैं उसका हमें बदला चुकाना पड़ता है। जैसे हमने इस जन्म में किसी के साथ गलत किया जाने अनजाने, तो हमें कई जन्मों तक उसके कर्ज चुकाने पड़ते हैं। इसलिए डियर ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इस जन्म में आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, कुछ भी धोखेबाजी नहीं की है, लेकिन हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हो लेकिन आपको नहीं पता है। इस जन्म में आपको नहीं पता है तो डियर उस जन्म में जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उसे इस जन्म में भी चुकाने पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि धोखे से भी अनजाने में भी उनसे कभी किसी का दिल ना दुख जाए, लेकिन उन्हें इस जन्म में उन्हें बहुत कार्मिक लोग मिल जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनके दिल के बहुत करीब आते हैं लेकिन उन्हें बहुत तकलीफ़ देते हैं। तो डियर वो इसलिए होता है क्योंकि ये आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो इस जन्म में चुकाने पड़ते हैं। आप किसी के साथ गलत नहीं करते फिर भी आपके साथ गलत होता है। तो डियर, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके साथ ना हो, आपको ऐसी तकलीफ़ें ना मिले, तो आप बुरे कर्मों को ख़त्म करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। पहले तो आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा सुकून महसूस होगा, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। जैसे आपके ऊपर कोई भी तकलीफ़ आ जाती है तो तुरंत आप इनबैलेंस हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते कि कैसे क्या करें, तो इसलिए डियर आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप पहले एक टाइम निकाल लीजिए कि जिस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई काम ना हो, आप बिल्कुल फ्री हैं। सोने से पहले भी कर सकते हैं, मॉर्निंग टाइम में भी कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम में आप जो भी करते हैं, पूजा करते हैं, कहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भी जो भी आप अपने धर्म से जो भी आप करते हैं उस हिसाब से
आप जो पहले करते हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करने के बाद, मंत्रा चैंटिंग करने के बाद आप एक शांत जगह में बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा में, जैसे ध्यान करने के टाइम बैठते हैं ना उसी तरह से आप बैठ जाइए। फिर आप महसूस करिए कि आपके सामने काफ़ी ढेर सारी सोल्स हैं, आपके सामने बहुत सारी सोल्स हैं, एनर्जी है, आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे बोल रहे हैं कि पिछले जन्मों में या इस जन्म में जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। आपको उनसे पहले ये बोलना है कि मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो, जाने अनजाने मैंने जो भी आपका बुरा किया है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती पे पछतावा है, मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आपको उन सोल से ऐसे बात करनी है, आपको फील करना है कि आपने अपनी गलती के लिए, जो भी जाने अनजाने जो भी गलती की है उन गलती के लिए आपने उनसे माफ़ी मांग ली है। फिर आपको ये महसूस करना है कि सामने से आपको ऐसी आवाज़ आ रही है कि माफ़ कर दिया, जो भी हमारा कर्ज था तुम पे वो माफ़ किया, जो भी आपने हमारे साथ बुरा किया था उसके लिए मैंने आपको दिल से माफ़ किया, आज से हमारा आपका कार्मिक रिश्ता नहीं है, कार्मिक रिश्ता ख़त्म हुआ, जो भी बुरे कर्मों से रिश्ता जुड़ा था वो ख़त्म हुआ, आपने जो भी मेरे साथ बुरा किया था उसके लिए दिल से मैं आपको माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ। आपको ऐसा महसूस करना है कि सामने से आपको ऐसी आवाज़ आ रही है कि सामने वाली एनर्जी ने आपको माफ़ कर दिया, आपको उन्होंने माफ़ कर दिया और आपने अपनी सारी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांग ली। फिर आपको ये बोलना है कि जो भी रिश्ता था आपका हमारा वो आज से ख़त्म हुआ, आप अब हमारा पीछा नहीं करेंगे, आपसे जो भी हमारा बुरे कर्मों से रिश्ता जुड़ा था वो ख़त्म हो गया, अब आप हमारे पीछे नहीं आएंगे, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, आपका हमारा रिश्ता कोई भी नहीं है। आपको ऐसा बोलने के बाद उस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं फिर उसे साफ़ कर देते हैं तो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड साफ़ हो जाता है ना, इसी तरह से आपको अपने सामने बैठी सारी एनर्जी को हटा देना है। आपको ऐसा महसूस करना है कि अब वो बिल्कुल जगह क्लीन हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, अब आपको बड़ा सुकून महसूस हो रहा है, आपको ऐसा महसूस करना है। फिर आपको अपने एंजल्स, अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है, उनसे बोलना है आपको कि सॉरी, उनसे माफ़ी मांगनी है, आपको दिल से माफ़ी मांगनी है कि जो भी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, आपने इतना कुछ दिया मुझे उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो हमें नहीं मिला हमने उस पर ध्यान दिया हमेशा, मुझे माफ़ कर दो मेरी गलती के लिए, मेरी कमियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। आपको ईश्वर से, एंजल से ऐसे प्रार्थना करनी है कि वो आपको अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगनी है, उसके बाद उनसे आपको बोलना है थैंक यू सो मच, इतना सब कुछ आपने हमें दिया है जितना किसी को जल्दी नहीं मिलता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतना भी नहीं मिला है, आपको एंजल से, ईश्वर से उनके दिए हुई चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है, क्योंकि जब हम राह चलते लोगों से मिलते हैं अगर वो हमारे लिए कुछ भी कर देते तो हम उन्हें तुरंत बोलते हैं थैंक यू सो मच। तो डियर इसी तरह से आपको ईश्वर से, एंजल से भी थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच आपने इतना सब कुछ मुझे दिया है, और आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो हमेशा आपके लिए वो करें जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए पॉजिटिव हो, और हमेशा वो आपके साथ रहें, आपका कभी भी साथ ना छोड़ें, और आपसे जाने अनजाने कभी कोई गलती ना हो। आपको ईश्वर से ऐसे प्रार्थना करनी है कि मुझसे कभी जाने अनजाने भी कोई गलती ना हो, प्लीज़ आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, आप मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि जिसका हाथ ईश्वर पकड़ लेते हैं उसे फिर कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए डियर आप ईश्वर से हमेशा ऐसी प्रार्थना करिएगा, और आप
हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। और आप तो ये कर्मा क्लिंजिंग का मेडिटेशन डेली कर सकते हैं। जैसे हमसे कभी भी जाने अनजाने गलती हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ गलत नहीं करते अपने हिसाब से, लेकिन सामने वाले के हिसाब से वो गलत होता है। तो डियर, आप डेली ये मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डेली ऐसा फील कर सकते हैं, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं डेली। अगर आप डेली ऐसा करते हैं तो जो भी आपसे गलतियाँ होती हैं वो सारी क्लीन होती जाएंगी। तो डियर, आप ये डेली मेडिटेशन कर सकते हैं, और आप जो मेडिटेशन पहले से करते हैं वो आप करते ही रहिए। उससे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी और आप हमेशा बैलेंस रहेंगे, आप कभी इनबैलेंस नहीं होंगे, छोटी छोटी चीज़ों से घबराएंगे नहीं। तो डियर, आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्ट करिए, जो भी आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।